Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ACE competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Pericla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy, so gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared, so like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. The topic which we are going to discuss today is basically the fact check of Pakistan's economy. इसमें हम लोग देखेंगे कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमारे पास जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं क्या क्या हमारे पास किस तरीके से जो है वो सारा का सारा हम लोगों ने जो हिसाब किताब चलाया हुआ है वो कैसे चल रहा है हमारे पास क्या क्या हिसाब किताब है इकोनॉमिक सेक्टर की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक प्रोफाइल भी आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो हमारे पास सबसे पहले पहले अगर हम लोग देखें तो जो इन इकोनॉमिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, ठीक है जी, इकोनॉमिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन उसको अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 59% जो शेयर है वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर का है. इसी तरीके से 22% जो शेयर है आपके पास वो आपके हम लोग कह सकते हैं कि 22% शेयर जो है वो आपके सर्विसेज का है, सर्विसेज सेक्टर का है. इसी तरीके से 19% जो है वो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का. और आप जस्ट इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि 19% हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का इसमें शेयर है और हम लोग कहते हैं 76 सालों से अपने आप को एक एग्रो इकोनॉमी कह रहे हैं. जस्ट इमेजिन, ओके, हमारी क्या कहते हैं उसको हमारी बातों में तजाद जो है वो यहाँ से ही नज़र आ जाता है आपको. सो नेट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पाकिस्तान जो है आपकी, नेट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पाकिस्तान वो है आपके पास $383 बिलियन आपका है, ठीक. इसी तरीके से आपके पास आपका जो पाकिस्तान है ये आपकी 5th largest पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड. ठीक इसी तरीके से आपके पास जो आपकी टोटल इकोनॉमी में 36% ऑफ योर इकोनॉमी जो है, ठीक है जी, ऑफ योर टोटल इकोनॉमी वो आपकी इनफॉर्मल है, ठीक है जी, जिसका आपका जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ा था. और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको यहाँ से कार्ड से एक्सेस कर सकते हैं. नेशनल इनकम अकाउंटिंग था और इसके 3-4 मिनट के बाद मैं दूसरी भी इसी कार्ड में ही आपको वीडियो यहाँ पे पेस्ट करूँगा जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग था और बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये 36% पोर्शन जो है ना ये आपका रिकॉर्डेड पोर्शन नहीं होता, बेसिकली इनफॉर्मल है आपके पास, फॉर्मल नहीं है. अच्छा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका फिस्कल ईयर था, फिस्कल ईयर 2022-23 इसमें क्या क्या हिसाब किताब हुआ. देखिए 2023-2024 अभी तक शुरू है सो हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर सकते. सो एज ऑफ जुलाई 2023 पाकिस्तान का जो टोटल डेट था आपके पास, ठीक है जी, जुलाई 2023 में जो आपका टोटल डेट था वो आपका था कितना, वो है आपके पास ₹60 ट्रिलियन है, ओके. और टोटल फॉरेन लोन जो है आपका, ठीक है जी, वो है आपका $130 बिलियन है आपका. फॉरेन लोन्स आपका $130 बिलियन है. और आपका जो टोटल हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल डेट है पाकिस्तान का जिसमें आपके पास लोकल एंड फॉरेन दोनों आ जाते हैं वो आपके पास जो है ना क्या है, $60 ट्रिलियन है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अगर हम लोग देख लें, और ये चीज़ें हम लोग जब अपने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के जो लेक्चर है जो कि आपके पीपीएस के पोर्शन में, जो आप इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का पोर्शन है इन जीके का पेपर, ठीक है जी, उसमें आपको
इसका पता चलेगा कि जी जब हम लोग डेवलपमेंट और ये चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये इंडेक्सेस और इंडाइसेस भी पढ़ेंगे। सो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपकी 66 ईयर्स है। ओके इसी तरीके से जो आपका जीडीपी पर कैपिटा है, जीडीपी पर कैपिटा ठीक है जी, वो फॉर 2023 सॉरी 2023 को, हाँ अगर हम लोग देख लें 2023 को, तो वो 1510 है आपके पास, 1510 डॉलर्स ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास अगर हम लोग आगे देखें तो पाकिस्तान जो है एक लो इनकम डेवलपिंग कंट्री है ठीक है, और इसकी जो इकोनॉमी है वो 23rd लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म ऑफ जीडीपी बेस्ड ऑन जो आपकी परचेजिंग पावर है ठीक है जी, परचेजिंग पावर पैरिटी उसके हिसाब से। सो आपका मुल्क पांचवां सबसे बड़ा मुल्क है बच्चे पैदा करने के लिहाज से या पॉपुलेशन के लिहाज से ठीक है, और आपका जो जीडीपी पर कैपिटा है एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी उस लिहाज से आपका मुल्क जो है वो 23वें नंबर पर ठहरा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जो हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की वो कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहली पहली है आपके पास टेक्सटाइल, उसमें दूसरी है आपके पास एप्परल्स, इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड नंबर पर आती है वो आपकी फूड इंडस्ट्री है, फोर्थ नंबर पर आपके पास फार्मास्यूटिकल्स है, आपके पास आप लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं ठीक, इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी बनाते हैं, आप फर्टिलाइजर्स में भी माशाल्लाह से, वो तो सबको पता है फर्टिलाइजर्स में भी आप बड़े ऊपर हैं, अच्छी एक आपकी प्रोडक्शन है, पेपर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आप बना रहे होते हैं ठीक है जी, पेपर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आप बनाते हैं, तो ये आपके हुए हैं। आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं अगर उसका हुजम देखा जाए तो जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं एज ऑफ 2023 जुलाई तो वो है आपका 31.782 बिलियंस, ये आपके टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, और तकरीबन 60 बिलियन तक आपका जो है वो खर्चा हो जाता है ठीक। मेन एक्सपोर्ट्स जो हैं आपके गुड्स के उसमें आपके पास अगर हम लोग देखें तो सो मेन एक्सपोर्ट गुड्स जो हैं आपके जिसमें टेक्सटाइल जो है वो तकरीबन आपका 18 इशारिया सॉरी 18.428 मिलियन डॉलर्स की जो है आप क्या कर लेते हैं, आप हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आपकी टेक्सटाइल से आती है, फूड इंडस्ट्रीज से जो है वो आप 5,501 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं, इसी तरीके से जो आपका केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उससे आप कमा रहे होते हैं 1,482 मिलियन डॉलर्स, इसी तरीके से जो आपकी लेदर मैन्युफैक्चरिंग है उससे आप 649 मिलियन कमाते हैं ठीक, इसी तरीके से आपके पास जो आपका स्पोर्ट्स गुड्स हैं ठीक है जी वो है आपका 507 मिलियन, इसमें हमें फ़ख्र भी बहुत होता है लेकिन मसला ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स उसमें बहुत कम है। पेट्रोलियम में भी आप थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, जैसे तकरीबन कोई आप 415 मिलियन जो है आप पेट्रोलियम में भी कमा लेते हैं। अब आपके जो मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं उसमें आपके पास कौन कौन है, उसमें आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ठीक है, जो कि तकरीबन आपकी 21% जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो आप अमेरिका को करते हो, चाइना जो है उसको आप अपनी 8.6% एक्सपोर्ट्स करते हैं, यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट उसमें आप जो है तकरीबन 5.7% करते हो, इसी तरीके से जो यूनाइटेड किंगडम है यूके है उसको आप 6.8% आपके एक्सपोर्ट्स का 6.8% उनको जाता है, जर्मनी ठीक है जी जर्मनी आपसे 5.4% आपकी जो बनाया हुआ माल है वो खरीद लेता है, इसी तरीके से आपके पास नेदरलैंड है ठीक है जो आपसे 4.6% आपका बनाया हुआ माल खरीद देता है या आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेन है जो कि 3.5%
ले लेता है। इसी तरीके से इटली है, ठीक है जी, बनीतो मुसलिनी वाला, वो जो है 3.3% आपसे ले लेता है। ये कुछ उसके बारे में है। आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं, अब आपके इम्पोर्ट्स का अगर आपको बताया जाए, तो आपकी माशाल्लाह से जो आपकी इम्पोर्ट्स रिकॉर्ड की गई हैं बाय 2023, वो हैं 80.136 बिलियंस। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है कि आपकी आमदनी जो है वो क्या है आपकी, वो उसके बारे में हम कह सकते हैं आपकी आमदनी 98 है और आपका जो खर्चा है वो रुपया है आपके पास यहाँ पे, ठीक है जी। आप बेच कम रहे हो, आप एक्सपोर्ट्स जो है आपकी कम हो रही हैं और आपकी इम्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है आपकी इकोनॉमी का इस तरीके से बर्बाद होना। हम लोग अगर इसको कह दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी कि जिस तरीके जो हमारे हालात हैं उसमें। आपके जो मेन इम्पोर्ट गुड्स हैं उसको अगर हम लोग देखें, जो आपके इम्पोर्ट्स हैं उसमें जो सबसे ऊपर ऊपर है वो है आपका पेट्रोलियम, ठीक है जी, जो कि तकरीबन आप 18,743 मिलियन का, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ले लेते हैं, मिलियन डॉलर्स है ये, याद रखिएगा। इसी तरीके से आपका जो एग्रीकल्चर का जितना भी, और एग्रीकल्चर का हम लोग कह सकते हैं रॉ मटेरियल आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, या अदर केमिकल्स जो हैं आपके पास, वो आपके पास तकरीबन आ जाते हैं 10,659 मिलियन आ जाता है आपके पास। मशीनरी जो आप मंगाते हैं मुख्तलिफ ममालिक से अपने ममालिक में लाने के लिए, वो तकरीबन 94,6,41 मिलियन डॉलर्स पे चली जाती है। इसी तरीके से जो फूड की अगर हम लोग बात करें, तो फूड आपका 7,932 मिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचता है आपको। अच्छा जी, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल, अच्छा मज़े की बात है, हम टेक्सटाइल पे बड़ा नाज करते हैं, हालांकि वो रॉ मटेरियल जो है ना टेक्सटाइल का, वो हम लोग बाहर से मंगा रहे होते हैं। सो रॉ मटेरियल जो है आपके पास, रॉ कॉटन जो होती है, वो आप तकरीबन 5,704 मिलियन डॉलर्स की, वो भी आप इम्पोर्ट ही करते हैं। आपके जो मेटल हैं, ओके, मेटल का आप तकरीबन 5,897 मिलियन जो है वो आप इम्पोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो है आपका, वो ऐसा चल रहा है कि जी 3,629 मिलियन जो है आप ट्रांसपोर्ट की मद में इम्पोर्ट करते हैं। आपकी इम्पोर्ट की जो, आपके इम्पोर्ट के जो सबसे बड़े बड़े पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, इम्पोर्ट के आपके जो बिगेस्ट पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो आपके कौन कौन से, उसमें सबसे पहला है चाइना, जो कि आपको 24% आपको माल बेचता है अपना, आपकी ज़रूरत का 24% आपको बेचता है। यूएई भी आपको एक्सपोर्ट करता है, जो कि 12.1% है। सऊदी जो है वो आपको तकरीबन 5.9% जो है आपको बेच रहा होता है। सिंगापुर जो है वो आपको 4.7% बेचता है। यूनाइटेड स्टेट्स आपको 4.2% जो है टेक्नोलॉजी की मद में, और उसमें जो है आपको वो बेच रहा होता है। इंडोनेशिया की अगर बात की जाए, तो इंडोनेशिया आपको तकरीबन कोई 3.7% आपकी उसको कर देता है। कुवैत जो है वो 3.2% आपकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, और जापान 2.8% आपकी, जो हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की है कि एज पर जुलाई 2023 स्टेटिस्टिक्स, आपके जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके पास 31.782 बिलियन डॉलर्स, और आपके टोटल इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है आपके पास वो है तकरीबन 80.136 बिलियन डॉलर्स जो है वो आपकी क्या है, इंपोर्ट है आपके पास। सो अगर आप अपना डेफिसिट निकालेंगे इसमें से, तो आपको जो डेफिसिट मिल रहा है वो है तकरीबन 48.354 बिलियन डॉलर्स का आपको डेफिसिट मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट
$50 का आप हर 50 बिलियन डॉलर्स का आप हर साल नुकसान जो है उठा रहे होते हैं। ये आपके स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि आपके एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग है। ठीक, अच्छा, अभी हम लोग अगर देख लें कि जी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हेल्थ का जो चार्ट अगर हम लोग देख लें, ठीक है जी, कि ये वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर्स की अगर हम लोग बात करें, तो वो ये है कि जी करंटली आपके पास जो यूएस डॉलर है, ठीक है जी, 1 USD जो है वो ऑलमोस्ट कोई 287 या 285 रुपीज के बराबर है आपके पास। ठीक, पाकिस्तान की जो जीडीपी है अगर हम लोग यूएस डॉलर्स में उसको देखें, तो आपका जो जीडीपी है वो तकरीबन 380 बिलियन US डॉलर्स के बराबर है, जो टोटल आपका जीडीपी है। ठीक, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो जो रिकॉर्ड की गई है वो मैक्सिमम आपकी 6% रिकॉर्ड की गई है, ठीक है जी, और मिनिमम अभी जाहिर है 3-4 महीने लग रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास जब अगला बजट आएगा 2024-2025 का, तो उसमें आपको आपकी ये असलियत भी आपके सामने आ जाएगी। जीडीपी पर कैपिटा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जी आपका जो जीडीपी पर कैपिटा इन यूएसडीज जो है वो आपका है $1,550। जीडीपी पर कैपिटा $1,550 था। देखिए, आपका टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय आपकी जो टोटल आवाम की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर आप उसको डिवाइड कर दें, तो आपको पता चल जाता है कि आपका जीडीपी पर कैपिटा किस तरीके से आ जाता है। अच्छा, अब हम लोगों ने बात की कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स की हैं और आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो 80 बिलियन डॉलर्स की हैं। आपको इनके दरमियान जो डेफिसिट आ रहा है वो 48 बिलियन के करीब आ रहा है या 48.5 बिलियन के करीब आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की कमाई के सिर्फ ये दो जरिए नहीं है, पाकिस्तान की कमाई का एक और जरिया जो है उसको हम लोग कहते हैं रिमिटेंसेस, फॉरेन रिमिटेंसेस, ठीक है जी, वो हमारे पास इन मिलियन डॉलर्स है, ओके, और वो आपके पास अगर हम लोग देखें तो वो कितना आ रहा है, उसको अगर हम लोग देखें तो वो भी तकरीबन आपके पास कोई हम लोग कह सकते हैं कि 30 बिलियन के करीब जो है वो भी आ जाता है आपके पास। मतलब जस्ट इस चीज को अंदाजा लगाएं कि जी 22 करोड़, बल्कि आजकल तो माशाल्लाह से हम 25 करोड़ हो चुके हैं, खरगोशों की तरह बढ़ रहे हैं हम लोग, 25 करोड़ आवाम जो है वो 30 बिलियन कमा रही है, ठीक है जी, और बाहर हम लोगों के तकरीबन कोई बहुत भी ज्यादा कर लें तो कोई 5-6 लाख पाकिस्तानी बाहर होंगे, वो जो 5-6 लाख पाकिस्तानी हैं वो जो कमा के सिर्फ पाकिस्तान को जो भेज रहे हैं वहां पे बाहर सेटल होते हुए जो वो अपनी जिंदगियों पे खर्च कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी फैमिलीज रहती हैं उनके लिए जो वो भेज रहे हैं वो तकरीबन आपके पास 30 बिलियन डॉलर्स के बराबर ही है वो, ठीक है। तो 25 करोड़ आपकी आवाम जो है वो आपके इन 5-6 लाख पाकिस्तानियों की के जितनी जो है वो एफिशिएंट है, सिंपल बात अगर हम लोग करें तो ये है। आपका जो एक्सपेंडिचर है, इन्फ्लेशन रेट आपका अगर हम लोग देखें तो अप्रैल 2023 में आपका जो इन्फ्लेशन रेट था, 2023 में जो आपका इन्फ्लेशन रेट था वो तकरीबन 36% पर था, ठीक है, 36% आपका इन्फ्लेशन रेट इन अप्रैल 2023 पर था, और जब आप आते हैं जुलाई तक, ठीक है, तो फिर वो तकरीबन गिरता गिरता आपके पास 27% तक आ जाता है, विच इज स्टिल टू हाई, लेकिन जाहिर है अब हालात ऐसे हैं तो आपको इन्फ्लेट करनी पड़ती है अपनी प्राइसेस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो वो आपके पास क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपके पास, बल्कि इसको छोड़ दें, इन चीज़ों को छोड़ दें, यही ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उसके पास ही जाएंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।